सीकर पुलिस ने 12 साल की मासूम की खरीद फरोख्त के एक मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी परेश देशमुख ने बताया कि 23 अगस्त को सुबह रेलवे स्टेशन पर 12 साल की बच्ची और एक 24-25 साल का लड़का ट्रेन के इंतजार में बैठे थे। बच्ची डरी सहमी थी, जो लोगों से मदद की गुहार कर रही थी। इस पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो कोतवाली पुलिस ने 12 वर्षीय बच्ची से पूछताछ की, जिसमें उसने 1.5 महीने पहले उसकी मां व नानी के द्वारा चंदवाजी थाना क्षेत्र के निवासी ओम प्रकाश व रोहिताश को उसे बेचना बताया। जिन्होंने उसे बाजौर निवासी नेमीचंद कुमावत को 2,70,000 रुपए में बेच दिया, जिसके बाद नेमीचंद ने उस बच्ची को अपने घर ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकतें की। पीड़िता के साथ हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए टीम का गठन कर पुलिस ने ओम प्रकाश व रोहिताश को तलाश कर गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें कोर्ट में पेश करने पर 29 अगस्त तक रिमांड पर सौंपा गया है। सीकर में कोचिंग छात्रा से दुष्कर्म कर उसके अश्लील वीडियो उसके ससुराल तक पहुंचाने के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी विक्रांत शर्मा ने बताया कि 28 जुलाई को पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 2014 में वह फोकस कोचिंग में जाती थी। वहां लक्ष्मणगढ़ निवासी फयाज अली ने जान पहचान बढ़ाकर एक होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म कर अश्लील फोटो व वीडियो बना लिए। इसके बाद 2018 में उसकी सगाई होने पर ससुराल में फोन कर उसकी सगाई तुड़वा दी और 2 साल बाद शादी होने पर भी पति को अश्लील वीडियो भेजकर उससे रिश्ता तोड़ने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस पर मामले की जांच कर आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया गया। इधर नेछवा थाना पुलिस ने भी नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी जेटी निवासी रोहित कुमार वर्मा पुत्र छोटू राम है, जिसके खिलाफ पीड़िता के पिता ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करवाया था। इस पर पुलिस ने आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी 2021 में भी एक मुकदमे में आरोपी रह चुका है। में बाइक चोर की फायरिंग में घायल होने के बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल में शुक्रवार को दम तोड़ने वाले 34 वर्षीय कांस्टेबल प्रहलाद सिंह का अंतिम संस्कार आज नीमका थाना के चीफलाटा के खातीवाला गांव में राजकीय सम्मान से हुआ। इससे पहले कांस्टेबल की पार्थिव देह तिरंगा यात्रा के साथ पैतृक गांव ले जाई गई, जिसमें प्रहलाद सिंह के जयकारे लगाते हुए सैकड़ों लोग शामिल हुए। शव घर पहुंचने पर मां व पत्नी रो रो कर बेसुध हो गई। बड़ी मुश्किल से लोगों ने उन्हें संभाल कर अंतिम यात्रा निकाली। जवान के 5 साल के बेटे चिराग ने पिता को मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार में सांसद सुमेधा सरस्वती, एडीजी दिनेश एमएन, आईजी सत्येंद्र सिंह और नीमका थाना कलेक्टर श्रुति भारद्वाज सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। सीकर की सदर थाना पुलिस ने शराब की आज 2 अवैध ब्रांच पर कार्रवाई करते हुए करीब 1,00,000 रुपए से ज्यादा की शराब जब्त करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रामपुरा में नागा की ढाणी में की गई पहली कार्रवाई में एक दुकान की तलाशी के दौरान शराब मिलने पर पुलिस ने आरोपी महेंद्र सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया। दूसरी कार्रवाई पूरा बड़ी में की गई, जहां भी एक दुकान से सैकड़ों शराब की बोतलें बरामद की गई। मौके से आरोपी रमेश खेदर को गिरफ्तार किया गया।